नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज हम आए हैं नायगांव में। यहाँ नायगांव में एक नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, प्रीमियर ग्रुप्स के प्रीमियर एलिजेंस नाम की बिल्डिंग की। आज यहाँ बुकिंग कर रहे हैं यहाँ बिल्डिंग के जो डेवलपर्स और जो संचालक मंडल है वो हमारे साथ है। आप कस्टमर जो इनसे किसी तरह का व्यवहार करता है उसको क्या कुछ देने वाले हैं उसकी जानकारी देंगे, और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और इस वीडियो के मार्फत आपको शायद अगर आप ये फ्लैट खरीदते हैं तो इनका ऐसा डिसीजन है कि आपको कुछ खास ऑफर भी दिया जाए, तो वो सब भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम। सर, आपका नाम? प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, प्रीमियर ग्रुप, इसकी क्या खासियत है? पहले प्रीमियर ग्रुप कौन है ये अपने थोड़ी सी जानकारी। प्रीमियर ग्रुप सबसे पहली चीज़ तो ट्रस्ट का नाम है, क्योंकि कैसा है अभी तक जितना भी इन्होंने टावर जो जितने भी डेवलप किया है टुवर्ड्स मीरा रोड या टुवर्ड्स नायगांव में, सो जो डिलीवरी टाइम फ्रेम रहता है जो कि कस्टमर के लिए सबसे मेन चीज़ रहती है, जो डिलीवरी टाइम, वो डिलीवरी टाइम देने जो टाइम बताया गया है उससे कहीं ना कहीं पहले ही डिलीवर किया हुआ है, तो सबसे मेन चीज़ है जो कि हर कोई जानता है प्रीमियर ग्रुप के बारे में, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है सबके कस्टमर्स के माइंड में। आपका क्या डिजिग्नेशन है इस कंपनी में? मैं एक एज अ सेल्स हेड यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो कि मार्केटिंग, हम लोग ने पूरा मार्केटिंग लिया हुआ है हमारी कंपनी का, हम लोकेलिटी मास्टर है, सो हम पूरा सेल्स का पार्ट यहाँ पे देखते हैं। अब आते हैं हम जनरल क्वेश्चन के ऊपर। सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी किसी बिल्डिंग को लेगा तो बिल्डिंग का टाइटल क्लियर होना चाहिए। वो ज़मीन टाइटल क्लियर है, इसमें VVCMC या RERA की परमिशन है, क्या है उसकी जानकारी? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ पे कैसा है कि जो भी हमारा टावर है वो लैंड क्लियरेंस पूरा पहले ही हमने VVMC से क्लियर करवाया हुआ है, पूरा फुल CC हमारे हाथ में है D1 से, और RERA रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है ये। कितने माले का ये प्रोजेक्ट? ये 16 स्टोरी टावर है, और RERA का आपने नाम लिया तो RERA की एक अपनी पूरी सिस्टम होती है, और RERA ने कब तक आपका इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का गाइडलाइन दिया हुआ है? ये दिसंबर 2025 का हमने टाइम फ्रेम RERA ने यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेटली उससे पहले हम डिलीवर भी करेंगे। अभी कितना परसेंट आपका काम यहाँ हो चुका है? यहाँ पे अप्रोक्स अभी 55% काम कंप्लीट हुआ है, जो कि 5th लेवल का काम चालू है अभी यहाँ पे। अब बात करते हैं बुकिंग की, एक कदम आगे, तो कॉस्ट आपके, आप कारपेट एरिया कितना देंगे और उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या क्या किस किस तरह का माल आपके पास अवेलेबल है? बेसिकली कैसा है कि जो टावर अभी बना रहे हैं हम लोग वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बना रहे हैं, सो डेफिनेटली जो हम कारपेट एरिया भी दे रहे हैं वो एक लग्जरी सेगमेंट में भी है, जो कि एक 410 का कारपेट एरिया आपका 1 BHK का रहेगा, एंड उसका कॉस्ट जो रहेगा वो पूरा पैकेज आपका 38 लाख से स्टार्ट है। आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा, तो क्या हम मान लें कि जो आप बनाने वाले बिल्डिंग है सेम एज इट होगा? इसे कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, ये एक एलिवेशन पार्ट है, और डेफिनेटली जब आपको पोजीशन मिलेगा सो क्वालिटी के मामले में अगर आप देखने जाओ तो इसे कई गुना बेहतरीन और दिखने में भी बहुत सुंदर रहेगा। अभी आपने बताया कि 36 लाख रुपए आप बुकिंग अमाउंट 38 लाख में आपका रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, पोजीशन चार्जेस सब इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे मेरे को अभी खरीदना हो तो मेरे पास तो 38 लाख रुपए नहीं है, तो उसका क्या, आपने वो नहीं बताया? नहीं, तो उसमें हम फिर आपको ऑफर ये दे रहे हैं कि अगर सपोज आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन कम है तो कहीं ना कहीं आप 5% दे के यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपए दे के बुक कर सकते हैं, बाकी जो भी चार्जेस है वो कहीं ना कहीं वे ऑफ हो या लोन में एडजस्ट हो जाएंगे। तो कौन कौन से बैंक है आपके साथ टाई अप है? यहाँ पे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, IFL है, फिर SBI बैंक है, ये सारी बैंक से ऑलमोस्ट टाई अप किया हुआ है हमने, और भी कई NBFCs और प्राइवेट बैंक है। कोई भी बैंक मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेन्योर दे रहा है? टेन्योर मिनिमम जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स का रहता है, और मैक्स टू मैक्स जो है 30 ईयर्स तक जाता है। तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, हम ये बोल सकते हैं लोन फैसिलिटी ओवरऑल है। लोन फैसिलिटी के साथ में कहीं ना कहीं स्कीम भी अवेलेबल है, जो कि कहीं ना कहीं हम आपको बता रहे हैं कि एक मिनिमम डाउन पेमेंट पे जो आपका घर हो रहा है, सो अगर देखने जाओ तो 1 से 1.5 लाख रुपए भी अगर किसी के पास में है तो वो अपना एक घर कर सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपने लोन का बता दिया, ज़मीन टाइटल क्लियर बता दिया, लेकिन आप किस लोकेशन पर है लोगों को ये क्या मालूम,
आपके आसपास, मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है मुझे नहीं मालूम, यहाँ से हाईवे कितना दूर है मुझे नहीं मालूम, या मेरे व्यूअर को नहीं मालूम, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि वो एक्चुअलिटी क्या है। लोकेशन तो सबसे पहले कैसा है, बहुत प्राइम लोकेशन है क्योंकि हमारे जस्ट एडजेसेंट पे जो है नायगांव की सबसे बड़ी स्कूल है जो कि सेंसकर एकेडमी है, सीबीएसई बोर्ड है। और दूसरी बात, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, बाजू में रिक्शा स्टैंड है, वहाँ से एक हर आदमी रिक्शा नहीं जा सकता, तो बस की अवेलेबिलिटी है। बस की अवेलेबिलिटी है, बस जो लोकल वीवीएमसी की बस चलती है वो भी आपको सामने यहाँ से मिल जाएंगी। सो टूवर्ड्स स्टेशन जाना या टूवर्ड्स हाईवे जाना है तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। हाईवे अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर पर हाईवे है यहाँ से, और स्टेशन अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर पर आपको स्टेशन आ जाता है नायगांव स्टेशन। और जूचंद्र स्टेशन भी कनेक्टेड है जो कि आप टूवर्ड्स दीवा वसई के तरफ जा सकते हैं। कोई बड़ा हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इस तरह की अम्यूनिटी है? पुलिस स्टेशन अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले ही ओपन भी हुआ है यहाँ पे, जो कि साई एंक्लेव के नीचे ही है। और दूसरी बात जो है, स्कूल अगर देखेंगे तो बाजू में है, ईशान हॉस्पिटल बाजू में है, एफएनबी हॉस्पिटल है। तो ऐसी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपके नियर बाय एडजेसेंट में है। अब एक बात आपने ये चीज़ सब बताया, अभी आप बिल्डिंग के अंदर लोगों को अलग से अम्यूनिटी क्या देने वाले हैं? गार्डनिंग एरिया आपका है क्या, यहाँ बच्चों के लिए क्या विशेष तौर पर क्या है? सो बेसिकली कैसा है कि यहाँ पे बिल्डिंग में जो एरिया है, कैसे यहाँ पे ना प्राइवेट गार्डन हम लोग दे रहे हैं। आप नाम बताइए। माय नेम इज सुषमा सिंह। हाँ, आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए। क्या यहाँ पे हम लोग 4,500 square feet का गार्डन दे रहे हैं, प्राइवेट गार्डन रहेगा जो हमारी बिल्डिंग को ही रहेगा। उसमें आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाएगा, उसमें आपको सिटीजन के लिए बैठने की स्पेस मिल जाएगी, किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा जिसमें आपको झूले मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको, स्लाइड्स वगैरह मिलेंगी। उसके अलावा हम लोग ने ओपन जिम का भी प्रावधान इसमें रखा हुआ है। ओपन जिम में हम लोग आपको जो है ट्रेडमिल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और जिम के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुरक्षा का क्या बंदोबस्त है? सुरक्षा का कैसे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हमारे रहेंगे, जो आप रहते हैं वॉचमैन वगैरह रहेंगे, प्लस सीसीटीवी कैमरा रहेगा सराउंडिंग में। उसके अलावा यहाँ पे चारों ओर बाउंड्री रहेगी हमारे गार्डन को पर्सनली, तो ऐसा नहीं कि आउटसाइड से भी कोई आके कुछ उसमें करेगा, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर उस इस विसिनिटी में बाउंड्री रहेगी उस चीज़ को लेकर। 16 माले का टावर है आपको पूरा, तो 16 माले के टावर में बुजुर्गों और बच्चों की बात तो छोड़िए, हम भी एक बार में सीधे नहीं चढ़ पाएंगे, तो लिफ्ट वगैरह का क्या बंदोबस्त? लिफ्ट वगैरह है, उसके अलावा हमारे पास बैकअप है जनरेटर का, 2 लिफ्ट है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और आपको ये मालूम है कि 16 माले का टावर है, तो आजकल बिल्डर वो प्रोविजन लेके ही चलते हैं कि कल को अगर कुछ एक्स वाई जेड रीजन से हो जाती है, जैसे यहाँ पे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने बैकअप भी रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ को लेके आपको। वाटर सप्लाई सबसे बड़ा इशू है सिविलर का, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, आप अपने यहाँ के लोगों को पानी किस तरह से उपलब्ध कराएं? उसमें हम लोगों ने वीवीएमसी अप्रूव्ड पानी की फैसिलिटी है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। प्लस हमने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखा है या हमने जो चीज़ें रखी है, आप अगर सैम्पल फ्लैट देखा होगा या आप देखने वाले होंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने क्या क्वालिटी प्रोवाइड की है। हम यहाँ पे सिर्फ घर नहीं दे रहे हैं, घर के साथ में जो हमारा एक सपना होता है कि हमको घर लेना है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। कि सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 दीवारी बना के दे दी, उसमें आपको क्या ज़रूरत है, अच्छी फ्लोरिंग दी है हमने, अच्छे मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड किए हैं, स्पेशियस मॉड्यूलर किचन है हमारा, और बेडरूम और हॉल भी स्पेशियस है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, एक आपको एक लग्जरी फील होगा। यहाँ पे आपने लॉबी देखी होगी हमारी, एंट्रेंस लॉबी जो शायद मुझे लगता है आजू बाजू की विसिनिटी में वो अवेलेबल नहीं है। आपको फील होगा जैसे एंटर होएंगे लॉबी में कि एक रिच एनवायरनमेंट में एंटर हो रहा हूँ मैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी में आपके पास क्या प्रबंध है, क्या मैनेजमेंट है? इन केस ऑफ इमरजेंसी मतलब किस इमरजेंसी? किसी भी तरह की हो सकती है, समझो बिल्डिंग में किसी को ऐसी बीमारी हुई, अचानक से जाना पड़ा, तो एम्बुलेंस के लिए क्या व्यवस्था है? कभी खुदा नखास्ता आग लगती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की क्या व्यवस्था है? सो फायर फाइटिंग का ऑलरेडी हमने रेफ्यूजी एरिया या बाकी सारी चीज़ों का प्रोविजंस किया हुआ है। इसके अलावा अगर जैसे आप और भी हॉस्पिटल का इमरजेंसी बोल रहे हैं तो विसिनिटी में ही है, तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको नियर बाय इसमें लोकेशन में मिलेंगी। अब आखिरी सवाल, जो अपना हमारा और आपका चर्चा चल रहा था उसमें आप कुछ बताया था कि इस वीडियो के मार्फत अगर आपके पास कोई आता है तो उसको क्या कुछ खास आप देने वाले हैं? सो उसमें कैसा है, हमने प्रोविजंस रखा है कि अगर कोई आता है किसी रेफरेंस को लेके, तो रेफरेंस का बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करेंगे उनको। सो जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देख सकते हैं तो हमने एक रॉयल्टी प्रोग्राम रखा था कि कोई भी अगर सपोज़ कोई किसी को लेके आ रहा है या वीडियो के माध्यम से आ रहा है, सो उसको एक जो है वाउचर्स हम देंगे 21,000 का, जो गिफ्ट वाउचर रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये परचेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी सारी चीज़ें।
तो ये तो बात हुई, इनसे पूरी जानकारी हमने ली किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या ये लोग आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। इन्होंने भी बताया कि ये वीडियो का आप अगर कहीं पर रेफरेंस देते हो तो आपको 21,000 का डिस्काउंट वाउचर भी मिलेगा। उसके अलावा अब इस वीडियो के अगले पार्ट में आप सैंपल वीडियो देखिए, सैंपल फ्लैट का वीडियो देखिए और लॉबी जो भी पूरा एमिनिटीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में है, तो मिस मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम शुरू करते हैं, हम बिल्डिंग के एंट्रेंस एरिया पर है, हमारे साथ प्रशांत जी यहाँ पर है, प्रशांत जी यहाँ पे और ये बिल्डिंग के नीचे एग्जैक्टली जिस तरीके से बनाया है ऐसे ही आपको मिलेगा भी। तो यहाँ पे रिसेप्शन होगा, सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे और जो यहाँ से एंट्रेंस करके फिर हम लिफ्ट की तरफ और स्टेयरकेस की तरफ जाएंगे। ये बिल्डिंग एग्जैक्टली एज इट इज बनाया है, कोई सैंपल नहीं है, कोई दिखाने के लिए नहीं किया है, ये एक्चुअल आपका जो है लॉबी एरिया है। यहाँ से स्टेयरकेस शुरू होता है, अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स किचन। हाँ अभी फिलहाल के लिए वो एरिया है, बट यहाँ पे लिफ्ट है। सैंपल फ्लैट यहाँ पे सैंपल फ्लैट का ये 1 BHK, यहाँ पे एक तरफ 1 BHK बनाया हुआ है, एक तरफ 2 BHK बनाया हुआ है। 1 BHK की तरफ हम अभी एंटर कर रहे हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज वेरी पीस आपको मिलेगा, कोई इसमें एड ऑन या सिस्टम नहीं होगा। जैसा एग्जैक्टली फ्लोरिंग देख रहे हैं, जिस तरीके से पेंट देख रहे हैं, फॉल सीलिंग देख रहे हैं, एज इट इज आपका रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको फ्लोरिंग दी गई है काफी प्रीमियम फ्लोरिंग है, जो की लोअर बेडरूम का टाइल्स में नहीं है। इसके साथ में आपको बैल्कनी मिल रही है, ये हमारा इंटरनल एरिया होता है बिल्डिंग का। फुल टाइल यहाँ पर लगा रहे हैं, इसके साथ आपको ड्राइव बैल्कनी मिल रही है और फ्रिज के लिए अलग से स्पेस मिल रहा है। किचन काफी स्पेशियस दिया हुआ है, दोनों साइड में ट्रॉली ओपन करने के बाद में भी उसमें खड़ा रहने का स्पेस रहेगा। यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको लगा के रहेंगी और फुल साइड में फुल टाइल्स। ये वॉशरूम मास्टर बेडरूम अलग है, हर एक फ्लैट में दो रहेंगे, हर एक फ्लैट में दो वॉशरूम अटैच्ड है और ये कॉमन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बेडरूम की अगर देखा जाए तो नाइगांव का सबसे स्पेशियस बेडरूम हमें दिया जा रहा है, जो कि 9x12 का बेडरूम है। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर देखेंगे तो विड्थ आपका 9 फीट आता है और लेंथ आपका 12 फीट आता है। उसके साथ में वॉटरप्रूफ वगैरह रहेंगे, वॉटरप्रूफ के लिए आपको यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे वॉटरप्रूफ बना सकते हैं। इसके अलावा जो है मास्टर बेडरूम है, पूरी ब्रांडेड फिटिंग्स लगा के देंगे यहाँ पे आपको, और इसके अलावा जो है इसकी टेरेस रहेंगे फुल टेरेस साइड में रहेगा। ये था 1 BHK, अब बात करते हैं 2 BHK। हमने आपको दिखाया 1 BHK, 1 BHK सैंपल फ्लैट है, 2 BHK भी कुछ इसी तरह से रहेगा, लेकिन 2 BHK में इन्होंने इसको शो फ्लैट करके किस तरह से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं उसका एक नजारा भी बताया। यहाँ जैसे एक सोफा सेट रखा हुआ है, सोफा सेट रखा जा सकता है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा जा सकता है, तो इस तरह से एलसीडी लगाई जा सकती है। तो ये एक तो डेवलपर है, इनका ये सर थिंकिंग किस तरह से हम इसको सजा सकते हैं अपने घर में, हालांकि ये भी सेम सिंपल फ्लैट था मिलेगा, लेकिन किस तरह से फ्लैट को हम सजा सकते हैं। लिविंग रूम वेबसाइट में अगर देखेंगे तो एक कॉमन बेडरूम आपका आ जाता है, ये भी पूरा एज इट इज वेरी इट इज रहेगा, और सेकंड बेड और फिर में हम उस तरफ किचन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपका ये किचन आ जाता है, किचन में काफी स्पेशल दिया हुआ है, सेम आपको मॉडुलर किचन करके देंगे जैसे कि हमने 1 BHK में बताया था। यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस है, ड्राई बैल्कनी एडिशन मिल रहा है और साइड में फुल टाइल्स बनेंगे। ये कॉमन बाथरूम, कॉमन वॉशरूम सामने आ जाता है, यहाँ पे भी आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी विद शावर के साथ में, फुल टाइल साइड में रहेंगे, नीचे एंटीसी टाइल्स रहेंगे। सेकेंड हमारा ग्रैंड मास्टर बेडरूम आ जाता है, जो कि अटैच वॉशरूम के साथ में आपको फुल साइज लेंथ का बेडरूम मिल रहा है। तो ये फुल फाइनल आपका पूरा प्लान है, यस, और आज जैसा दिख रहा है वैसा ही हर एक फ्लैट दिखेगा या बना रहा है। हाँ श्योर,
इसे कहीं गुना बेहतर ही नहीं दिखेगा। बनने के बाद में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा वो चीज। जिस तरीके से आपने 1 BHK देखा, जिस तरीके से हम बना के दे रहे हैं, एज इट इज वेर इट इज आपको घर अपना मिलेगा आपका। अब एक सवाल मेरा ऑन कैमरा है कि जैसे आपने इसको सजा के दिया, कोई आता है कि मुझे ऐसा ही सजा हुआ आप रेडीमेड करके दे, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग क्या है? नहीं तो वो कैसा है, हम आपको सजेस्ट करके दे सकते हैं कि जिसने हमने जिसके थ्रू बनाया हुआ है या जो इंटीरियर से बनाया हुआ है, हम वो कंपनी का आपको रेफरेंस दे देंगे, आप उनसे जो है अपना करवा सकते हैं। एक्चुअल में आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं? नहीं वैसा हम, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग रहता है, तो कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी। तो बेहतरीन ये फ्लैट्स हैं, हमने पूरे फ्लैट्स की हर एक चीज की जानकारी आपको दिखाई, और अब अंत में ये कहना चाहेंगे कि आप आइए विजिट कीजिए। और एक चीज शायद मुझे ऐसा अंदाजा है कि अगर कोई यहाँ नायागांव स्टेशन पे आता है तो आप पिकअप ड्रॉप भी रखते हैं? स्टेशन से हमारी गाड़ी स्टेशन पे खड़ी रहती है, पिकअप ड्रॉप सर्विस एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल है। यानी कि आपको कभी अगर समय है और अपने लिए घर देखना है, यहाँ आना चाहता है, जो इनका नंबर दिया हुआ ही है ब्रोशर वगैरह में, आपने देखा इनका नंबर और भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, उस नंबर पर कॉल करेंगे और आप नायागांव स्टेशन पर आएंगे तो ये आपको नायागांव स्टेशन से खुद ही पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे और आपको ये पूरा अपना उनका प्रोजेक्ट दिखाएंगे। तो आज के लिए हम अभी यहीं रुकते हैं, अभी के लिए इतना ही, बस यही नायागांव से। चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786